मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न सब्जेक्ट हिंदी फॉर ग्रेड सेकेंड. लेसन नंबर 4, अधिक बलवान कौन. सो टेक आउट योर हिंदी नोटबुक, राइट डाउन टुडेज डेट 27/7/2021. क्वेश्चन नंबर 1, खाली स्थान भरो. क्वेश्चन नंबर 1, खाली स्थान भरो. नंबर 1, एक बार ब्लैंक और ब्लैंक में बहस छिड़ गई. तो किस दोनों के बीच में बहस छिड़ गई, यानी आर्ग्यूमेंट कि कौन मुझसे ताकतवर है या तो मेरे से ज़्यादा कौन बलवान है. तो एक बार आंसर क्या आएगा, सूरज और हवा. तो फर्स्ट में लिखो सूरज, सूरज और सेकंड ब्लैंक में हवा, सेकंड ब्लैंक में हवा. एक बार सूरज और हवा में बहस छिड़ गई. नंबर 2, हवा ने अपनी ब्लैंक दिखानी शुरू की. हवा ने अपनी ब्लैंक दिखानी शुरू की, तो अपनी ताकत. सेकंड में क्या आंसर आएगा, ताकत. अपनी अपने अंदर जितनी भी ताकत थी वो दिखानी शुरू की. किसने, हवा ने. नंबर 3, आदमी की टोपी ब्लैंक गई. आदमी की टोपी ब्लैंक गई, तो आदमी की टोपी उड़ गई. हवा ने अपनी ताकत ज़्यादा लगाई और हवा एकदम ज़ोर से चलने लगी. तो क्या हुआ था, आदमी ने जो टोपी पहनी थी अपने सिर पे वो अचानक से उड़ गई. तो आंसर आएगा उड़ गई. नंबर 4, जब सूरज की बारी आई तब सूरज ने क्या किया, अपनी ताकत से उसकी जो रोशनी होती है, उसकी जो गर्मी होती है, उसने वो जो गर्मी है वो उसने बढ़ा दी, तेज कर दी. तो सूरज और ज़्यादा तपने लगा. तो आंसर क्या आएगा, तपने, सूरज तपने लगा. नंबर 5, हवा ने सूरज को ब्लैंक किया. लास्ट में क्या किया, हवा ने सूरज को नमस्कार किया. क्या किया, नमस्कार किया. तो लिखो स आधा का जॉइंट आकी मात्रा का र, नमस्कार किया. क्यों किया, क्योंकि दोनों में से कौन जीता, लास्ट में सूरज जीता. इसलिए हवा ने मान लिया कि हाँ मैं हारा और तू जीता, इसलिए हवा ने सूरज को नमस्कार किया. तो ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो आपको हिंदी की नोटबुक में लिखना है. बाय एवरीवन.